हेलो और वेलकम टू स्टडी आई क्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्सी के बारे में अबाउट इंटरनेशनल रेसिज्म के जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है क्या ये पहले टेस्ट करी जाएगी अफ्रीकन देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में और अगर वो सक्सेसफुल साबित होती है फिर उसको यूज़ करेंगे अफ्रीका रशिया यूरोप वेरियस और कंट्रीज़ में। नाउ देखिए पहले तो आपको जानना होगा वैक्सीन की आवश्यकता क्या है और प्रोसेस क्या है। अगर एक व्यक्ति है उसको ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है और उसकी बॉडी में COVID-19 बीमारी डेवलप हो चुकी है तो वैक्सीन उसके काम नहीं आएगी। वैक्सीन उस व्यक्ति के लिए काम की है, मान लो एक हेल्दी व्यक्ति है उसको ट्रैवल करना है उसको बाहर जाना है मगर वो डर रहा है कि कोई मुझ पर छींक देगा खांस देगा तो ये जो वायरस है मेरी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो वैक्सीन यहाँ पर उस व्यक्ति की हेल्प कर सकती है। अगर वो व्यक्ति कोरोना वायरस की वैक्सीन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वायरस से वो अपने आप लड़ लेगा और उसको COVID-19 के जो सिम्टम्स हैं नहीं होंगे। नाउ जो ये वैक्सीन है ये आज के समय डेवलप हो रही है। अगर वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो हम सब वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके घर के बाहर निकल सकते हैं। अब वैक्सीन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें टेस्टिंग मेन चीज़ होती है, ठीक है, कि क्या ये वैक्सीन काम करती है, क्या ह्यूमन बीइंग्स में ये वैक्सीन प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर रिसेंटली हुई है कॉन्ट्रोवर्सी। क्या है कि कॉन्गो के एक हेल्थ ऑफिशियल ने ये कहा है कि US, कनाडा और चाइना की जो कंपनीज हैं जो आज के समय डेवलप कर रही है इस वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन, उन्होंने चूज़ किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को फॉर टेस्टिंग। तो मतलब कि सबसे पहले जो वैक्सीन बनेगी वो यहाँ पर टेस्ट करेंगे। होगा क्या, अभी जो प्लान सामने लग रहा है उसके सामने यही होगा कि 300-400 लोगों में जो कॉन्गो में रहते हैं उनमें ये वैक्सीन इंजेक्ट कर देंगे, उसके बाद उनको एक्सपोज किया जाएगा टू कोरोना वायरस। अगर उनकी बॉडी में COVID-19 के सिम्टम्स डेवलप नहीं होते तो माना जाएगा कि बिल्कुल ये वैक्सीन एक सक्सेस है। और इसी बात को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी है कि एक गरीब अफ्रीकन कंट्री को चूज़ क्यों किया जा रहा है। आपको अगर टेस्टिंग करनी है तो अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में करिए, अपने लॉज चेंज करिए, अपने लोगों को वॉलंटियरिंग के लिए सामने लाइए। यहाँ पे एक गरीब देश है जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जिसके पास UN में ज़्यादा आवाज़ है नहीं, इंटरनेशनली बहुत सी कंट्रीज़ उसकी सुनती नहीं है। तो ऐसे देश में आप टेस्टिंग करके क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो फॉर ह्यूमैनिटी। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है कहाँ पर। ये छोटा मैप है, अभी बड़े मैप पे जाएंगे। बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप अगर वेस्ट को जाएंगे तो आएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इसके बीचों बीच यहाँ पर आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है कॉन्गो और ये इसकी राजधानी है यहाँ पर किनशासा। और कॉन्गो की जो करेंसी है ये है कॉन्गोलीज फ्रैंक FRANC। नाउ कॉन्गो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि इनके जो एक्स प्रेसिडेंट है बहुत ही फेमस इनके लीडर हैं ओपांगो, इनको ये कोरोना वायरस हो गया था और इनकी मौत हो गई थी, तो वैसे भी न्यूज़ में था। अब ये रिसेंट जो खुलासा हुआ है कॉन्गो में जो हेड हैं ऑफ द नेशनल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि वी हैव बीन चोजन टू कंडक्ट दीज टेस्ट, द वैक्सीन विल बी प्रोड्यूस्ड इन US और इन कनाडा और इन चाइना, वी आर द कैंडिडेट्स फॉर द टेस्टिंग हेयर। और जो ये ट्रायल्स हैं टेस्टिंग के ये जुलाई या फिर अगस्त तक स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे इसका रीज़न क्या है, कुछ शायद रीज़न होगा कि अफ्रीका में पहले टेस्टिंग होगी। वेल देखिए कुछ साइंटिस्ट ने इसका रीज़न ये दिया है कि अफ्रीका में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये कुछ हमको रिसर्च बताती है कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़रा होती है वहाँ पर ट्रांसमिशन कुछ लिमिटेड होता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया में अगर हम टेस्ट करते हैं इस वैक्सीन को तो हमको ज़रा एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये वायरस जेन्युइनली रुकता है या फिर इसके जो सिम्टम्स हैं ये रुकते हैं। तो ये कुछ मैं कहूँगा एक्सप्लेनेशन दी गई है मगर फिर भी ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है। अफ्रीका जैसा एनवायरनमेंट आपको वेरियस और कंट्रीज में मिल जाएगा मगर अफ्रीका को बार बार चूज़ करना फॉर वैक्सीन्स, ये इसमें देखिए कुछ एक रेसिज्म की भी एक प्रॉब्लम सामने आती है। और बहुत ही फेमस एक अफ्रीकन फुटबॉलर है द्रोगबा के नाम से, ये चेल्सिया जो फुटबॉल क्लब है इंग्लैंड में उसके लिए खेलते थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर ये ट्वीट करी है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। इन्होंने ये कहा कि हम लोग ऐसा लगातार नहीं कर सकते, अफ्रीका कोई टेस्टिंग लेबॉरेटरी नहीं है कि जो भी वैक्सीन पहले निकलती है उसकी टेस्टिंग पहले आप अफ्रीका में करते हो। फिर ये कह रहे हैं आई वुड लाइक टू विविडली डिनाउंस दोज डिमीनिंग फॉल्स एंड मोस्ट ऑफ ऑल डीपली रेसिस वर्ड्स, हेल्प अस सेव अफ्रीका फ्रॉम द ऑन गोइंग COVID-19 एंड फ्लैटन द कर्व। और जो ये रेसिस कॉमेंट्स की बात कर रहे थे ये एक्चुअली ये है
जब ये न्यूज़ सामने आई तो फ्रांस में दो डॉक्टर्स टीवी पे बैठ के बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ बिल्कुल हमको कॉन्गो में टेस्ट करने चाहिए, वहाँ पे लोग गरीब हैं, मास्क की भी कमी है, हाइजीन की भी कमी है, तो बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो प्रॉपर टेस्ट होगा, हमको प्रॉपर जानकारी मिलेगी कि क्या वैक्सीन काम करती है या नहीं। तो जैसे ही ये रेसिस्ट कॉमेंट सामने आई तो फ्रांस में भी बहुत सारे जो NGO हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ट्रेंड है हम पहले भी देख चुके हैं। आपको याद होगा 2019 में एक वैक्सीन डेवलप करी गई थी मलेरिया को रोकने के लिए, मलेरिया की वैक्सीन अभी भी डेवलप हो रही है। तो इसके जो पहले टेस्ट हैं 600-700 लोगों पर, ये हुए थे अफ्रीका में, प्राइमरली घाना केनिया में। अब देखिए, ये मैं कहूँगा एक काफ़ी ख़राब ट्रेंड है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को बार बार हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स। नाउ इस इशू को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है, क्या सिंस दुनिया में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरीके से टेस्टिंग करना ठीक है, या फिर जो कंट्री वैक्सीन डेवलप कर रही है उस कंट्री को अपने देश में इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, वैक्सीन टेस्टिंग में ख़तरा भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉन्गो में पहले 300-400 लोगों को वैक्सीन इंजेक्ट कराएंगे, उसके बाद उनका एक्सपोजर होगा टू कोरोना वायरस, ताकि टेस्ट हो पाए कि क्या ये वैक्सीन काम करती है या नहीं। मान लीजिए ये वैक्सीन काम नहीं करती, इनिशियली वैक्सीन जो इन्होंने डेवलप करी है ये काम नहीं करती और उन लोगों को ये वायरस हो जाता है, अब वो गरीब देश है, अब मान लो वो 400-500 लोगों को वो क्वारंटीन नहीं कर पाते तो कॉन्गो में तो ये वायरस फैल जाएगा। तो ये खतरा है, इसके बारे में हमको सोचना होगा और एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से हमको इस पूरे इशू को एनालाइज करना होगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।